हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू छोटी की रसोई। आज मैं आप लोग के साथ मालपुआ का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में बहुत ही फेमस है। इसे बहुत जगह पुआ और गुलगुले भी बोले जाते हैं। तो आज हम बिल्कुल जालीदार मालपुआ जो है वो बना करके रेडी करेंगे, और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस टाइप का एक बाउल ले लेंगे, कोई सा भी, और उसके ऊपर हम एक छन्नी रखेंगे। इसे जो है वो हम मैदा छानने के लिए यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो 2 कप मैदा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसे कप ना हो तो आप कोई भी कटोरी घर में जो अवेलेबल होता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और इस मैदे को हम बिल्कुल अच्छे से छान लेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ बने और बीच में कहीं भी गांठे ना पड़े। तो ये देखिए, सारा मैदा मैंने छान लिया है। तो अब मैं इसमें जो है वो 1/4 कप जो है वो सूजी यूज़ कर रही हूँ। ये लगभग 4 से 5 चम्मच होगा, नॉर्मल जो घर में चम्मच होता है उससे। और उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी मैं यहाँ 2/3 कप यूज़ कर रही हूँ। तो आप इसे स्वाद अनुसार यूज़ करें, आपको जितना मीठा खाना पसंद है आप उतना इसमें यूज़ कर सकते हैं। और उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर जो है वो 2.5 कप दूध लिया है। और ये दूध थोड़ा सा गर्म है, और इस दूध को जो है वो हम बैटर में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और बैटर को जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे हम अच्छे से बिल्कुल मिक्स करेंगे, आराम से थोड़ा थोड़ा दूध यूज़ करेंगे। आप बिल्कुल ठंडा दूध ना लें और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना लें, एकदम थोड़ा सा लुक वार्म टाइप से दूध जो है वो हमें लेना है। ये फुल फैट मिल्क है, आप चाहे तो नॉन फैट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालती जाऊंगी और इसे अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा बैटर जो है वो तैयार करूंगी। आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो भी दूध बचा हुआ था मैंने सारा यूज़ कर लिया है। आप थोड़ा थोड़ा दूध करके ही यूज़ करके ही बैटर जो है वो अच्छे से मिक्स करें। एक साथ डालेंगे तो मिक्स करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने सारा दूध यूज़ कर लिया और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन बैटर जो है वो बन के रेडी है। आपका भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा रनी। तो अब मैं यहाँ पर जो है वो 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर इलायची ऐड किया है, और 1/4 टीस्पून जो है मैंने सौंफ ऐड किया है। इसे मैंने थोड़ा सा कूट दिया है घर में। अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा स्मूथ बैटर बन के रेडी है। अब इसे हम साइड में रख देंगे जब तक कि हमारा तेल गर्म होता है कढ़ाई में। तो ये देखिए मैंने गैस पर जो है वो कढ़ाई चढ़ा दी है, और हम गैस को ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम में इसे गर्म करेंगे। ठीक है, तब तक देखिए हम इस बैटर को देख लेते हैं एक बार अच्छे से। हमारा कढ़ाई जो है वो बिल्कुल गर्म हो गया है। तो हम इस टाइप का एक कलछल लेंगे जिससे कि हम पुआ को जो है वो, इस बैटर को जो है वो कढ़ाई में पोर करेंगे। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। तो चलिए ये एकदम रेडी है पकाने के लिए। यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है, और हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा बैटर हम इसमें डालेंगे तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तेल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसे निकाल देते हैं साइड में, और अब हम इसमें जो है वो एक एक जो है बार बैटर जो हमने तैयार किया है पुआ का, उसमें डालते जाएंगे। आप धीरे धीरे इस टाइप से जो है वो इसको चलाते चलेंगे तो पुआ जो है वो काफ़ी अच्छे से, आप देखेंगे, फूल के खुद से जो है वो ऊपर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन जो है वो फूल चुका है, और ये इंडिकेशन है कि हमारा पुआ जो है बिल्कुल जालीदार बनने वाला है। तो इसे हम उलट पलट करके चारों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल आप लो टू मीडियम कर दें, हाई में बिल्कुल ना पकाएं। तो ये देखिए ये पक के रेडी है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम दूसरा बैच इसको जो है वो तलेंगे। तो फ्लेम को आप बिल्कुल मीडियम रखें, और इसे भी हम चारों तरफ जो है वो अच्छे से पका लेंगे। बीच में जो छोटा छोटा जो गिर जाता है ना बैटर का, वो आप उसे निकाल दें, वरना फिर इसमें चिपक जाएगा। और इसी तरीके से हम सारा पुआ बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पुआ बिल्कुल बन के रेडी है। ये बहुत ही गर्म है, और मैं इसे थोड़ा सा गार्निश करूँगी पिस्ता से। आप चाहे तो इसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स ऐड करके भी आप बना सकते हैं, वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं इसे अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बताती हूँ कि ये कितना जालीदार बना है। आप
देख सकते हो और अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, परफेक्टली चारों तरफ से जो है वो अच्छे से पका हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन जो है ना उसे ज़रूर क्लिक करें ताकि मैं जब कभी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।